बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश सचिव धनंजय कुमार सिंह का भव्य स्वागत नया टोला मोड़ जगदीशपुर में किया गया। इसका नेतृत्व संघ के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह मंटू ने किया। शिक्षकों को संबोधित करते हुए बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव धनंजय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को टारगेट कर प्रताड़ित कर रही है। दशहरा जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर शिक्षकों का प्रशिक्षण कराने का कोई मतलब नहीं है। इस पर्व में शिक्षक और उसके परिवार के सदस्य भी 10 दिनों तक नवरात्रि का पाठ करते हैं। ये प्रशिक्षण आवासीय हो रहा है। भोजपुर के शिक्षकों को औरंगाबाद और औरंगाबाद के शिक्षकों को प्रधानाचार्य या प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत किया गया है। उनका प्रशिक्षण कराया जा रहा है। ये प्रशिक्षण छठ पूजा के बाद भी कराया जा सकता था, लेकिन सरकार दुर्भावना से प्रेरित होकर नियोजित शिक्षकों के साथ गलत बर्ताव कर रही है। संघ के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह मिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तत्काल हस्तक्षेप कर प्रशिक्षण का कार्य स्थगित करें। दशहरा है, नवरात्र का समय चल रहा है, इस पे भी आप लोग को प्रशिक्षण सरकार कर रही है काम करने के लिए, प्रशिक्षण करिए, इस पे क्या कहना चाहिए? ये बिहार सरकार के जब से इनका नियमावली बनता है, न पर्व देखते हैं न त्यौहार देखते हैं, जो मन होता है वो पत्र निकाल देते हैं। माननीय अपर सचिव से आज हमारे प्रदेश सचिव पत्र भी लिख के दिए हैं, मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, शिक्षा मंत्री को भी दिए हैं। उस पत्र में स्पष्ट लिखे हैं कि हम लोग हिंदू का बहुत बड़ा ही त्यौहार है जो 9 दिन का नवरात्र है। इस नवरात्र में सब लोग फास्टिंग पर हैं, महिला बहनें फास्टिंग पर हैं। किसी तरह जल्द से जल्द इस पर विचार किया जाए, प्रशिक्षण को बंद करके दशहरा बाद प्रशिक्षण चालू कराने का कार्य किया जाए। अब देखिए शिक्षा मंत्री क्या डिसीजन देते हैं, कल इस पर क्लियर बात चलेगी। कल आने के बाद हम लोग को भरोसा है कि प्रशिक्षण बंद होगा बीच में। और फिर हम लोग सबसे बड़ी लड़ाई अभी चल रही है सरकार से, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू जी की वार्ता हुई थी 2-2 बार। इसके बाद में 10 जुलाई को हम लोग का धरना प्रदर्शन भी हुआ था पटना में, डायरेक्टर से वगैरह से सारी सकारात्मक बात हुई थी। एक बीच में नया सा एक शब्द आ गया है, अब शिक्षा के पता नहीं कितने भागों में सरकार बांटेंगे। हम लोग को विशेष शिक्षक बनाया जा रहा है, जो बात हुई थी BPSC का, तो एक नया मोड़ कहाँ से आ गया भैया। तो इसके लिए भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बोला गया कि 7 दिन में जवाब देना है, तो लिख के लेटर पैड पर दे दिया मुख्यमंत्री को। हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, दुर्गा पूजा के बाद हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे जो अभी तक बिहार में आंदोलन नहीं हुआ होगा। पूरे बिहार में बिहार के सभी 74,000 विद्यालय में ताला बंद होंगे। शिक्षक संघ जिंदाबाद, 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद। आप जिला अध्यक्ष हैं, प्रशिक्षण की तैयारी चल रही है सरकार द्वारा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए बिहार सरकार जब से नियमावली बना रही है, 2006 की नियमावली बनाई, 2012 की नियमावली बनाई, 2020 की नियमावली बनाई, अभी 2023 की नियमावली बनाई, लेकिन उसे शिक्षा मित्र से जो हम लोग शुरू हुए अभी तक विशिष्ट शिक्षक पर आकर कटक गया है। राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात, समान काम समान वेतन की बात देने की बात पटना उच्च न्यायालय ने जो कहा था, इसकी सरकार की मंशा नहीं है कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। हम लोगों के बीच जगदीशपुर में आज हमारे संगठन के प्रदेश सचिव बड़े भाई धनंजय सिंह जी का आगमन हुआ है। ये औरंगाबाद से हम लोग की धरती तक आए हुए हैं। सबसे पहले जगदीशपुर वीर बाकुड़ा बाबू की धरती पर इनका अभिनंदन और स्वागत है। और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग लड़ाई 2006 से लड़ रहे हैं। 24 दिसंबर 2005 की जो लड़ाई हुई थी उसके फलस्वरूप हम लोगों को 60 वर्ष की नौकरी मिली थी। और हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं जब तक राज्यकर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन की घोषणा नहीं की जाती है। और यह 2023 में परीक्षा देने की बात हो रही है, अरे हम 2023 में भी परीक्षा देंगे, आने वाला 2024 में भी परीक्षा देंगे, और अंतिम परीक्षा 2025 में भी देंगे।